एडिटिंग, डिजाइनिंग, ड्राइंग, मॉडलिंग, आप ए से लेकर जी तक कोई भी पैशन या हॉबी से अर्निंग कर सकते हो, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो। ये वाली वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। या सारे, एंड बाय द वे ये है टाइम स्टैम्प्स, अगर आपको फॉलो करना है तो आप ये वाले टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर सकते हो। जो आपको पे करेगा वो कोई सोलो क्लाइंट हो सकता है या फिर एक कंपनी, तो यार पहले ये चीज दिमाग से निकाल दो कि ये लोग चूतिया है। और कोई आपको तभी पे करेगा जब आप उनको कोई ऐसी चीज दोगे जो कि वो खुद करना नहीं चाहते या फिर उनको खुद करना नहीं आता। सो पहले कार्य करो, फिर धन आएगा। पीसी या लैपटॉप है? देन बढ़िया, जंग के लिए तैयार हो आप। बट हर किसी के पास नहीं होता। मोबाइल पे वर्क करने का मैं मोटिवेशन नहीं दूंगा, जिसको करना है वो वैसे ही कर लेगा। एंड स्किल सीखने की दोनों में जो टेक्निक है ना वो सेम ही है। पीसी या लैपटॉप हमेशा एक इन्वेस्टमेंट है, भले ही एक बार आपके पाइथागोरस थ्योरम काम आए या ना आए, लेकिन पीसी या लैपटॉप ना कभी आपके काम जरूर आएगा। क्या बोला तूने? और अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है तो उसको लेने के आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, देन उनको कन्विंस करके देखो, बिकॉज अगर एक बार हथियार हाथ में आ गया देन एक तो आप शहीद हो गए या फिर जीत के आओगे। इन शॉर्ट, रोना धोना करके कुछ मांग लेना ताकि आप आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर सको, इट्स ओके, चल जाता है कभी कभी। बट ओनली जब आपको पता है कि यार फाइनेंशियली फैमिली में कोई इन सच बड़ी दिक्कत नहीं होंगी एक पीसी या लैपटॉप लेने के बाद, देन गो फॉर इट। एंड ट्रस्ट मी, जो आंसू भाई है ना वो फल बन के जरूर आएंगे। अगर आप पेरेंट्स से मांगना नहीं चाहते देन आपको जो है साइड हसल करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल और प्राउडेस्ट थिंग, आप जो है ऑफलाइन कोई वर्क कर सकते हो या फिर आप जो ट्यूटर बन सकते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आप अपने जूनियर्स को वो सिखा सकते हो ताकि आप उनसे जो है चार्ज कर पाओ कुछ ना कुछ पैसे। या फिर बहुत सारे ऑफलाइन जॉब्स हैं जहाँ पे आपको ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट फ्रीलांसिंग या फिर इससे तो कम ही। स्किल्स कहाँ से सीखे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा। ऑफलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, यूट्यूब, यूट्यूब से सीखना आसान है। कीवर्ड सर्च करो अच्छे से। जैसे अगर आपको 10th का कोई लेसन पता ही नहीं है लेकिन फिर भी आपको जो है फर्स्ट लेसन को देखना है क्या है उसमें, तो आप क्या सर्च करते हो? क्लास 10th फर्स्ट लेसन ऑफ मैथ्स, समथिंग लाइक दैट, बस वैसा ही है। अगर मुझे ड्राइंग सीखनी है तो मैं सर्च करूंगा ड्राइंग बेसिक्स, और अगर मेरे को पर्टिकुलरली स्केचिंग सीखनी है तो मैं सर्च करूंगा स्केचिंग बेसिक्स। वैसे स्टार्टिंग में ना आप हथियार के बारे में सीखोगे, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग, स्केचिंग पेंसिल्स फॉर बिगिनर, हाउ टू राइट अ मेल, आप ये सारी चीजें सर्च करके बहुत कुछ नया सीख सकते हो। एंड उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करो कि यार वो सही में अच्छा है कि नहीं, उसकी प्राइस कितनी है, ये सारी चीज करने में खर्चा कितना लगेगा, और अगर आप खर्चा कर भी रहे हो तो क्या वो सही में यूजफुल है कि यार वो सस्ते में भी हो सकता है। ये सब कुछ आपको जो है रिसर्च करके पता चलने वाला है। अगर कोई सॉफ्टवेयर का काम है ना तो कुछ तरीके है सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करने के, बट वो मैं यहाँ से बाहर ही रखूंगा। और ये सब ना सेम ही है, चाहे आपको वेबसाइट बनाना है या फिर स्केचिंग करना है या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको सेल करना है। जल्दी पैसे कमाने के और जल्दी क्लाइंट मिलने के ना लालच में कभी मत आना। मैं सीधा पॉइंट पे आता, कहाँ थे हम, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर आपको ना डायरेक्ट पैसे कमाना है तो कोई भी ऑफलाइन वर्क को चूज कर लो जहाँ स्किल्स कंपैरेटिवली कम लगती है, क्योंकि यार कोई भी काम छोटा नहीं होता। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पैसे कमाना है तो वो वाला रास्ता ज़्यादा ईजी है। एंड यहाँ ना एक ईजी फैक्ट है, अगर ऐसा आप कोई भी वर्क करते हो जिसमें स्किल लगती है तो आपको कम टाइम में जो है ज़्यादा पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें ज़्यादा स्किल नहीं लगती है या फिर वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है स्किल को, देन आपको शायद मेंटल के साथ साथ फिजिकली भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको शायद उतना पैसा ना मिले जितना आपको स्किल के साथ मिल सकता है। डिग्री तो 3 साल की सही से कर लेते हो, ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल तो ज़रूर बनाते हो। इसको छोड़ो एजुकेशन सिस्टम पे, बट आपको ना स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। मैं जज नहीं कर रहा, बट कुछ भी वर्क्स उठा के क्लाइंट्स ढूंढने में निकल जाना। अब सबके लिए ये चीज़ सेम तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप YouTube से सिर्फ सीख रहे हो ना तो 3 मंथ से ज़्यादा आपको लग सकते हैं पर्टिकुलर स्किल सीखने में। अगर आप जो है हर रोज़
उसको जो है मतलब वही पैशन से कर रहे हो, बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हो ना, तो शायद 3 मंथ के आसपास आप जो है सीख सकते हो। मुझे तो यार बहुत साल लगे थे। देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर ऑलमोस्ट रेडी। अब बस वर्क चाहिए, क्योंकि अब आप में और 10th के मार्कशीट में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों में मेहनत की है, बट अभी कोई नहीं पूछता। फ्रीलांस जॉब या इंटर्नशिप, बिजनेस, आपको कौन सा चूज करना है और क्यों, इन सब पे ना एक सेपरेट कहानी बन सकती है। बट इन शॉर्ट, फ्रीलांस पे आप कभी भी काम कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे कोई टाइम का बैरियर नहीं है, बस आपको डेडलाइन के पहले जो है वर्क देना होगा। एंड यहाँ पे ना फिक्स इनकम नहीं है। जॉब एंड इंटर्नशिप पे आपको जो है फिक्स टाइम पे काम करना पड़ेगा और इनकम भी जो है आपकी फिक्स रहेगी। बिजनेस ये थोड़ा थोड़ा फ्रीलांस जैसा है, बट ये आपके रिलेशनशिप जैसा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कभी और बात करते हैं। रील्स एंड पोस्ट ना बहुत ज़्यादा तगड़ा सोर्स है टू गेट क्लाइंट, बट आपको ना सीखना पड़ेगा कि हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। सेम फॉर यूट्यूब, अपने वर्क्स को इम्प्रूव करते रहो, थंबनेल्स को इम्प्रूव करते रहो, एंड या इट विल एक्चुअली वर्क। बट ऐसा नहीं है कि एक रात पे सब कुछ हो जाएगा। शायद आपको लग रहा है कि आप इस वाले पर्टिकुलर यूट्यूबर की वीडियो जो है अच्छे से एडिट कर सकते हो, देन उनकी कोई वीडियो उठाओ, खुद एडिट करो, उनको मेल कर दो कि भैया देखो मैंने भी आपके जो वीडियो रिक्रिएट की है, और अगर उनको सही में पसंद आ गई वो वीडियो तो मे बी आपको ऐसे एडिटर वो हायर कर ले। इसका मतलब आपको मेल लिखना भी सीखना होगा, एंड भाई वो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एंड ऑल्सो वो फर्स्ट इम्प्रेशन है आपका। फाइवर एंड अपवर्क जैसे वेबसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हो क्लाइंट्स लेने के लिए, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और शायद आपको वर्क मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा या फिर शायद नहीं भी मिले। यहाँ पे आपको अपने वर्क्स को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से शोकेस करना पड़ेगा। यहाँ पे तगड़े वाले वर्क्स चाहिए। आप खुद ही देख लो यहाँ पे कितनी सारी कॉम्पिटिशन है स्टैंड आउट करने के लिए। सब ना यहाँ क्लाइंट लेने के लिए ना भूखे शेर जैसे खड़े। फाइवर एंड अपवर्क आर नॉट द ईजिएस्ट वे टू गेट क्लाइंट, बट या दे आर रिलायबल। जॉब या इंटर्नशिप फाइंड करना ना थोड़ा मुश्किल है। मुझे जो है सामने से ऑफर आया था लकीली, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। आई थिंक कुछ मैं 4 महीने वो वाले एडटेक स्टार्टअप में था, 5,000 per month के सैलरी पे एज अ वीडियो एडिटर इंटर्न ऑफर मिले, तो एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पोर्टफोलियो तो फिर भी चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ वर्क्स तो दिखाना होगा ना, क्योंकि यार कुछ जॉब्स ना सर्टिफिकेट या डिग्री भी मांगते हैं। यू कैन फाइंड जॉब और इंटर्नशिप ऑन गूगल। अगर आप जो है मेट्रो सिटीज़ में अगर रहते हो तो शायद आपको गूगल पे मिल जाएंगी कोई जॉब और इंटर्नशिप, या फिर कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर अगर कुछ पहचान वगैरह है तो शायद आपको वो वहाँ के थ्रू भी मिल सकती है। एंड याद रखना, जॉब और इंटर्नशिप मिलना इतना आसान नहीं है, वरना ये इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं होते यहाँ पे, बट मिल सकती है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी किए। एंड या कुछ ऑनलाइन होते हैं या फिर कुछ ऑफलाइन भी हो सकती है। वैसे तो बहुत सारे स्किल्स हैं जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है या फिर वो बहुत कम पे करता है, लेकिन मेरे ख्याल से ना अगर आपको पैसे अच्छे से निकालना आता है ना, अगर आप अच्छा वर्क उनको दे रहे हो, तो क्लाइंट्स पे करते हैं हर स्किल में। मेकअप करना पसंद है तो आपको भी जॉब मिल सकता है, क्यों नहीं। बट अगर आप अपने वर्क्स को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, देन देयर इज हाई चांस कि आपको जो है फ्रीलांस काम मिल सकता है और वो कहीं ज़्यादा पे करेंगे एज कम्पेयर टू जॉब। आई नो शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना खुद से आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ गई, लेकिन अगर आप ना अच्छे से पैशनेट होकर आपके स्किल पे अगर काम करोगे तो। और ये कोई सोलो इंसिडेंट नहीं है, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो ये सब कुछ कर चुके हैं पहले से। पेशेंस एंड डेडिकेशन चाहिए अगर आपको जो है अर्ली एज में कुछ हटके करना है तो, कुछ अलग करना है तो। शायद आपके पेरेंट्स नहीं भी माने, बोलेंगे कि क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की अभी से, सही बात है। बट अगर आपको जानना है कि कितना अफेक्ट आपके लाइफस्टाइल पे पड़ सकता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद, देन आप ये वाली वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स पूछने के बाद भी मना कर रहे हैं ना अच्छे काम के लिए, देन जैसे अपने गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड को छुपाते हो ना, वैसे ही छुप कर काम कर लो। यहाँ पे आपको अपना काम करने के लिए डार्क प्लेसेस या कैफेज में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी झूठ बोलना इज लीगल, ओके, चल जाता है। कुछ मंथ्स के लिए फन को और चिल को बाजू में रखो, कोई ज़रूरत नहीं फॉर्मेलिटीज़ करने की। अब मैं ये सब नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिसको करना है पैशन के साथ उसे ये सब बोलने की ना ज़रूरत नहीं है। गुड बाय।